आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐतिहासिक मठ मंदिर किस तरह सजा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। मठ मंदिर के पास जो मठ मंदिर से लगा हुआ मठ मंदिर परिसर में ये देखिए कितना विशाल वृक्ष यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और मठ तालाब मठ मंदिर परिसर में मठ मंदिर से लगा हुआ ये मठ तालाब और यहाँ पर कितनी सुंदर आभा, कितनी सुंदर छटा दिखाई दे रही होगी पानी में रोशनी का अक्स। वास्तव में ऐसा दृश्य पैदा कर रहा है जो आंखों को बड़ा लुभावना लगता है। पितृमोक्ष अमावस्या शनिवार 14 अक्टूबर को पितृमोक्ष अमावस्या थी। इस दिन मठ तालाब में श्रद्धालुओं के द्वारा दीप दान किया गया, पितरों को विदाई दी गई। मान्यता है कि पितृ पक्ष में पितर जो दिव्य आत्मा है, दिवंगत आत्माएं हैं जो आपके घर में ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वे 15 दिन के लिए वैकुंठवासी हो चुके हैं, वे इस एक पखवाड़े में पितृपक्ष में वे लौट कर आपके घर के आसपास आते हैं। और उन्हें अगर वो बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं, इस तरीके की मान्यता है कि आप उन्हें देख नहीं सकते हैं, पर अगर आप उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें जल देते हैं। विधि विधान से हमने आपको लगातार दिखाया पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा तट पर किस तरह से पूरे 15 दिन तक तर्पण का कार्यक्रम चलता रहा। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये मठ तालाब, हालांकि कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद है और मठ तालाब की गंदगी आपके सामने दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रद्धालु यहाँ पहुँचे और दिए जगमगाते हुए आपको दिख रहे होंगे, दीपदान श्रद्धालुओं के द्वारा किया गया। ऐतिहासिक मठ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है। मठ मंदिर समिति के द्वारा अपील की गई है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मठ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, वे तन मन धन से सहयोग करें और सहयोग देने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मठ तालाब के जो घाट बना हुआ है, मठ तालाब के घाट पर आप देखिए यहाँ श्रद्धालुओं के द्वारा दीप जलाए जा रहे हैं और पितरों को पितृमोक्ष अमावस्या पर पितरों को विदाई दी जा रही है। इस तरीके का नज़ारा आपको हमने बैनगंगा पुण्य सलिला बैनगंगा सिवनी से उद्गमित है, सिवनी मुंडारा से उद्गमित बैनगंगा के लखनवाड़ा तट पर शाम के समय दीपदान का दृश्य हमने आपको दिखाया था। माता बैनगंगा की आरती भी हमने आपको दिखाई थी। चूँकि ये 14 अक्टूबर पितृमोक्ष अमावस्या को ये कार्यक्रम यहाँ पर दीपदान का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा, इसलिए हम आपको इसे रविवार 15 अक्टूबर को ये आपको खबर दिखा रहे हैं। देखिए दीप लिए हुए कितना मनोभावन दृश्य। यहाँ एक बाला बैठी हुई है, बालिका बैठी है दीप लेकर और यहाँ दीप लगातार, ये देखिए किस तरह से प्रज्वलित दीपों को प्रज्वलित होते हुए आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर घाट पर भी दीप रखे हुए हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और दीपों का दान यहाँ पर चल रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए जल में प्रवाहित कर रहे हैं दीपों, दीप को इकट्ठे रखकर दीपदान किया जा रहा है। ये दृश्य वास्तव में बहुत ही नयना विराम दृश्य होता है, मन को सुकून देने वाला दृश्य होता है। पितरों को आपके घर अगर कोई दिव्य आत्मा ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वैकुंठवासी हो चुके हैं, तो उन्हें आप पितृपक्ष में किसी भी सरोवर के किसी नदी के तट पर बैठकर उन्हें जल दे सकते हैं, विधि विधान से जल दे सकते हैं। आचार्यों के द्वारा ये कार्य कराया जाता है और इसके साथ ही अगर आप यहाँ नहीं जा सकते तो घर पर भी आप उन्हें जल दे सकते हैं। पितृपक्ष में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे विधि विधान हैं जो आप आचार्यों से पूछ कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस तरीके की मान्यता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और पितर अगर आपसे प्रसन्न हैं तो निश्चित तौर पर उनका आशीष आपके घर के कलेश को मिटाकर घर में शांति, व्यापार रोजी रोजगार में संपन्नता लाने के लिए, बच्चों के शादी विवाह और बच्चों के उज्जवल भविष्य में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होता है, सिद्ध होता है, इस तरीके की मान्यता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट।
ऐतिहासिक मठ मंदिर, इसके बारे में मान्यता है, मठ मंदिर के बारे में ये मान्यता शुरू से रही है कि आदि शंकराचार्य के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और आदि शंकराचार्य के द्वारा इसे इसका पूजन भी किया गया था। इस तरीके की बात, जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जो जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के द्वारा कई बार बताई गई कि मठ मंदिर का ज्योतिर्लिंग जिसे कहा जाए, शिवलिंग कहा जाए, उसे वो आदि शंकराचार्य द्वारा पूजित शिवलिंग है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारी लेकर। फिर जाले देना चाहेंगे। जय हिंद।